पंडित जी, क्या नाम है आपका? सीताराम नाम। पंडित जी, शिवरात्रि आ रही है, क्या कुछ महत्व इसका होता है? पौराणिक कथाओं के अनुसार शिवरात्रि का पर्व माता पार्वती और भोलेनाथ के विवाह के अवसर में मनाया जाता है। इस दिन भोले बाबा और माँ पार्वती के विवाह की झांकियाँ भी निकाली जाती हैं। इस दिन लोग व्रत करते हैं और रात्रि में भोले बाबा के शिवलिंग की पूजा भी करते हैं, जल भी चढ़ाया जाता है। विशेष रूप में गृहस्थी में सुख सुविधाएं बढ़ती हैं और किसी भी प्रकार के दुख नहीं होते इस व्रत को करने से। 8 मार्च को शिवरात्रि 9:57 से लेकर के 9 मार्च को 6:17 तक चलेगी, इसीलिए इस पर्व को 8 मार्च को मनाया जाना है। इस दिन दान करने से भी विशेष लाभ मिलते हैं। सफेद वस्तुओं का दान करने से दाम्पत्य सुख भी बड़ा अच्छा चलता है। व्रत की क्या कुछ विधियां हैं जी? इसमें व्रत की कोई ऐसी विधियां नहीं हैं, अपने अपने अनुसार अपने पास के पंडितों से पूछ करके इस व्रत को भी किया जाता है। इस दिन बहुत लोग व्रत करते हैं, रात्रि में शिवलिंग का भी अभिषेक कराया जाता है, शिवलिंग का अभिषेक करते हैं और अपने अनुसार दान भी करते हैं। सफेद चीज़ों का दान करने से विशेष लाभ भी मिलता है।